से बैठते हैं और पूरा फ्रेश हो जाते हैं फिर उसके बाद। और आप सब हंसी आ रही है, गंदा लग रहा है। मतलब भाई ये एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा यार, क्योंकि रात में हमने यहाँ पे मछली पकड़ी थी भाई, दवा के पता नहीं मछली। ये हमारा दरवाजा, अपने दरवाजे को खोलते हैं। 3 दिन हो गए मुझे नहाए हुए, और 3 दिन तो मुझे नहाए हो गए। और भाई हगना तो भाई मेरा ही पता नहीं है कि मैंने हगा कि नहीं हगा। और ये मेरा वोडका का बोतल जो रात में पी पी के थोड़ा सा रह गया था। सो हे गाइस, फाइनली गाइस हम पहुंच गए टिप्पी विलेज पॉइंट के पास। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट वाला सिस्टम मान लीजिए, और चारों तरफ भाई पत्थर ही पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है। और अभी बस सोच रहा हूँ, यही प्लान सोच रहा हूँ कि हनुमान जी की सेना को बुलाऊँ और ये सारे पत्थर उठा के राम सेतु यहाँ से बांध बनाएंगे और यहाँ से चलेंगे हैं भाई। क्रॉसिंग करेंगे, वही सोच रहे हैं, क्योंकि उसी की तरह व्यू दिख रहा है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिख रहा है गाइस। मैं सोच जब यहाँ पे बाढ़ आती हुई दबा के भाई आती हुई पूरे ही पत्थर, ये भाव वहीं से आया, भाव से ही आया होगा, लंबा कहाँ से ऊपर तक पहुँच जाता होगा ये। तो अभी ऐसा मौसम है कुछ, और हम सोच रहे हैं यहाँ पे कैंपिंग का। तो कैसे आपको कैंपिंग का व्यू दिखाएंगे गाइस, जहाँ यहाँ पर हमने यहाँ पर समतल जगह देखी वाली, तो यहाँ पर हम कैंपिंग करेंगे। यहाँ पर लोग ना बहुत सारे लोग कैंपिंग ही करने आते हैं, मतलब पूरा व्यू देखते हैं, यहाँ पर खाना वाना सब बनाते हैं, यहाँ पर खाते पीते हैं, यहाँ पर खरीद देते हैं। बट ये गलत बात है, हम वहाँ पर डस्टबिन है वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप कि आप बहुत ही मज़े में होंगे और अच्छे होंगे। तो गाइस मैं हूं अभी कैंपिंग के अंदर, और मेरे साथ भाई एक और है, आप देख सकते हो नितेश भाई है। तो अभी हम रात भर यहीं पे सोए हुए थे, ठीक है, अभी कैंपिंग के अंदर। और आपको बाहर का व्यू आप देखोगे, अरे यार क्या गज़ब है, आप देख के ही हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं बाहर, बाहर के अभी थोड़ा मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ कि क्या क्या हमारा सामान यहाँ से वहाँ फैला हुआ है, और हमें क्या क्या किया था वो दिखाता हूँ। थोड़ा फनी टाइम, मतलब थोड़ी मस्ती मिलेगी तुम्हें अभी यहाँ पे देखने के बाद। ये हमारा देख सकते हो, ये हमारा लंगोट जो हमने यहाँ पे सुखा रखा है, ठीक है। तो हमने सोचा कि गीला हो गया था, तो सोचा था कि हाँ भाई यहाँ पर अपना लंगोट यहाँ पर सुखा दिखा जाए, मतलब सुखा दिया जाए, ठीक है। और ये हमारा छोटा सा ट्राइपॉड जो लाइट वाली है, ये लाइटिंग है। और भाई ये मेरा पावर बैंक, और ये मेरा वोडका का बोतल जो रात में पी पी के थोड़ा सा रह गया था, इतना सब यूज़ किया और इतना सा बच गया है वोडका का बोतल। तो कोई नहीं, सोचेंगे थोड़ा कैंपिंग के बाहर लगेंगे, थोड़ा लगेगी कि मतलब ठंड तो पी लेंगे भाई, गर्मी गर्मी कुछ आ जाए। और नितेश भाई से बोलते रात में कैसा रहा तुम्हारा वोडका का एक्सपीरियंस। वोडका का गजब एक्सपीरियंस रहा, साथ में चखना भी रहा, चखना वखना सब रहा है, चखना वखना सब रहा, ठंडी हवा चली, मज़ा आ गया। तो, और भाई बाहर अंदर देखो तो हमारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, रात में हम ऐसे सोए हुए थे मजे से, ऐसा कुछ है। और आप जब भी अरुणाचल में एंटर करना ना, तो भालुक पांडा ऐसे करके आपको मैं बता देता हूँ, बालीपारा जो कि रंगापारा लास्ट रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप बालीपारा आओगे 30-40 किलोमीटर, और उसके बाद 20-30 किलोमीटर और आगे आओगे तो आप यहाँ से एंटर हो जाएगा। भाई यहाँ का व्यू इतना बढ़िया है ना, बहुत गजब व्यू हो रहा है, बताएं अभी बाहर दिखाएंगे आपको। अभी हम बताए कहाँ पे, अब बताते हैं भाई, ये पॉइंट बोलता है पिकनिक पॉइंट कोई है यहाँ पे, टिप्पी विलेज। हाँ राइट, टिप्पी विलेज के आसपास हमने किया ये कैंपिंग। आप मैप में, तो ऐसा है कुछ एक्सपीरियंस भाई, काफी कुछ धोना है हमें, मैट धोने हैं, कपड़े धोने हैं, नहाना। अबे धोने क्या कपड़े, पूरे अपने आप को ही धोना है। 3 दिन से नहाया नहीं हमने, 3 दिन से नहाया नहीं है भाई पूरा, क्योंकि भाई ट्रैवलिंग में आपको ऐसे ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि यार भाई हम तो होटल वोटल के चक्करों में तो पड़ते नहीं है, होटल भाई पता है बहुत ही महंगा पड़ता है। तो हमारा छोटा सा गरीब खाना यही पड़ा है हमारे पास, तो हमने सोचा कि इसी में हम गुजारा किया करते हैं भाई, ठीक है। पैसे वैसे कुछ भाई कुछ है नहीं, तो भाई आप सबकी सपोर्ट मिले तो प्लीज़ थोड़ा कुछ 1-2 रुपये 4-5 रुपये प्लीज़ डोनेट कर दीजिए, कि हम थोड़ा सा भी आगे थोड़ा सरवाइव कर पाए हैं भाई। भाई कर दिया, हाँ नहीं तो भाई UPI नंबर दे दूंगा भाई, उस पर UPI कर देना, 1-2 रुपये कर दो यार, एक एक बंदा 1-1 रुपये करेगा ना, तो भाई मेरे रोज के 5-6 रुपये बन तो जाएंगे, बिल्कुल है ना। हमारा मानो तो कर देना, नहीं तो और करना ही चाहिए तो भाई प्लीज़ कर देना भाई, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। और बस चलो बाहर चलता हूँ और बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। तो भाई चलते हैं बाहर, ये हमारा, और ये कौन से, ये हमारा दरवाज़ा, अपने दरवाजे को खोलते हैं तो बाहर चलते हैं। ये हमारा भाई गैस पड़ा हुआ यहाँ पे, भाई ने यहाँ पे ऐसे रख रखा है, ठीक है। और ऐसा कुछ व्यू है भाई बाहर का नज़ारा, ओह माय गॉड,
मॉर्निंग इंडिया। ओह माय गॉड। तो भाई लोग कैसे हो आप सब, प्लीज कमेंट्स करके बताओ जो हमारा कैंपिंग है कैसा है। देखो कैंपिंग किस तरह से हमने कैंपिंग किया था, और भाई यहीं पे पेल दिया था हमने खाना पीना सही दवा के। अरे भाई जूते में भी पूरा मट्टी वट्टी घुस गया पूरा। आज चलो बिना पैर नंगे पैर ही नीचे जाएंगे पूरा पत्थरों पर। आह हल्की हल्की सूरज सनसाइड निकल रही है गाइस, देखो हल्की हल्की चेहरों पर सनसाइड आ रही है। और रात में हमने यहाँ पे मछली पकड़ी थी भाई, दवा के है पता नहीं मछली पकड़ी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी हालत ऐसी हो रही है भिखमंगियों की तरह, और मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ पे हवा हवा भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बट अंदर का टेम्परेचर हमारा लग रहा था भाई वही होगा डिग्री के आसपास, 10 डिग्री के आसपास अंदर लग रहा था, 10-20 डिग्री के अंदर लग रहा था। बाहर तो भाई बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है, ना ठंडी का पता चल रहा है ना गर्मी का पता चल रहा है, ये है कि बराबर है बस। और मज़ा बहुत आ रहा है ऐसा कुछ है गाइस। और यहाँ का व्यू आपको मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे हमने वाटरफॉल, ये कहीं बोलते हैं पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे टिप्पी विलेज है, विलेज उसके पास ही ये वाटरफॉल मिलता है। ऐसा कुछ है जब ये बहाव तेज़ आती है तो यहाँ पे कोई पानी वानी भाई बहता होगा, सारा जितना पत्थर आप देख रहे हो सारे उसी बहाव से इतना यहाँ पे आया हुआ है गाइस। ठीक है, हमने रात में यहीं पे कैंपिंग वैम्पिंग करी थी। पहले हमने तो खाना भाई रात में चिकन विकन सही से पेला था, पेला के हम बना रहे सही से फिर पेला था। और ये यहाँ पे हमने कैंपिंग करी थी, अब दिखाता हूँ लकड़ी वकड़ी यहीं पे बनाई थी। ये देखो आधी लकड़ी जली है और आधी नहीं जली है, ये देख सकती हो ये लकड़ी यहाँ पे, ये लकड़ी देख सकती हो, ये ऐसी लकड़ी हमने यहाँ पर रात भर जलाई थी। बहुत सारी लकड़ी वकड़े इकट्ठी मिली थी यहाँ पे हमने, तो हमने यहाँ पे लेके आए थे और यहाँ पे बनाए थे गाइस। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था रात भर यहीं पे हमने कैंपिंग वैम्पिंग मजे से की थी, फुल इन्जॉय। और रात में और चावल भी तो बन गया था, बस हमने सोचा कि चिकन विकन भाई गैस पे बना लेते, गैस पे हमने बना लिया था, जल्दी हो गया था। और देखो उस तरफ बहाव कितना तेज़ आ रहा पानी का, उधर हल्की बहाव है बट इधर लहर ज़्यादा तेज़ है। तो पानी वाला व्यू दिखाऊंगा मैं आपको, उस तरफ जाऊंगा वो भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, पहले हम अपना क्या करते हैं कि अपना सारा भाई सामान जो है मेरा, जो मैं 3 दिन से मैंने नहाए नहीं है गाइस। ठीक है, 3 दिन हो गए मुझे नहाए हुए, और 3 दिन तो मुझे नहाए हो गए। और भाई हगना तो भाई मेरा ये पता ही नहीं है कि मैंने हगा कि नहीं हगा भाई, वो जो फ्रेश तो हम हर जगह हो ही जाते हैं, और फ्रेश के लिए जगह भाई अच्छी जगह ढूंढते हैं कि भाई एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान हो, मतलब ऐसे गंद बंद नहीं फैलाते कहीं पे भी, सेफ जगह देखते हैं, अच्छी जगह देखते हैं जहाँ पे करने लायक होती है, कहने का मतलब वो जो कर सके। इसके बारे में आपको बाद में कभी बताऊँगा कि हम जैसे कि ट्रैवलिंग में भाई अपना वॉशरूम टॉयलेट वॉलेट या नहाना टॉयलेट वॉलेट का हम कैसे करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ हम क्या करते हैं, कि हम जैसे किसी की जंगलों की तरफ जाते हैं तो भाई वहाँ पे ज़्यादा भाई वैसा होता है थोड़ा, कहने का मतलब जंगली जानवर भी मतलब वैसी हरियाली सी होती है उधर होती है। तो क्या करते हैं कि भाई हम वैसे तो खुले हमें तो कर नहीं सकते, तो वहाँ पे कोई टॉयलेट वॉलेट हो जाता है आस पास, तो हमें टॉयलेट वॉलेट मिल जाए तो हम वहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, उस टॉयलेट में यूज़ कर लेते हैं। और जहाँ पे टॉयलेट वॉलेट नहीं है पूरा वीरान जगह है, तो हम ये क्या करते हैं कि वहाँ पे पहले हम गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं मतलब एक फिट खोल लेते हैं गड्ढा खोल के, फिर भाई उसमें अपना आराम से बैठते हैं और पूरा फ्रेश हो जाते हैं फिर उसके बाद। और आप सब हंसी आ रही है, गंदा लग रहा है मतलब भाई, एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा यार, क्योंकि ये सब चीज़ें भाई हमें आप बताना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी ट्रैवलिंग करते हो तो भाई इस तरह से खुले में आप कभी भी ट्रैवल मतलब इस तरह से भाई सोच नहीं कर सकते, मतलब गंद नहीं फैलाना चाहिए वैसे भी भाई मेरे को एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो स्मेल से बहुत ज़्यादा फैलेगी हवाओं में यार, गंदा लगता है, जंगली जानवर आते हैं तो अच्छा लगता है वो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये है कि गड्ढा खोदो उसमें करो और उसको पैक कर दो पूरा, जो मिट्टी आपने बाहर निकाली थी अंदर से निकाली थी वो मिट्टी सारे ऊपर से पैक कर दो, उससे ये होगा कि वो पूरा पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, बाद में वो खाद बन जाएगा, और जिससे कि उसमें एक नया पौधा उगलेगा और नया पौधा निकलेगा और उससे वो आप ही का पौधा होगा। ठीक है भाई, और कभी भी आओ तो उस पर वो आप ही का पौधा होगा, और कभी उस पर नाम लिख देना नीचे कि ये मेरा पौधा था, कभी मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे मैंने फ्रेश किया था और वो इसी नाम से, तो ये मेरा पौधा निकला है और इस पर मेरा नाम लिखा होगा, देख सकते हो आप। भाई मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, वहाँ पे गड्ढा खोदना फ्रेश करना और पूरा कवर कर देना, ठीक है पैक कर देना, जिससे कि वो मिट्टी में इंक्लूड हो जाए मिक्स हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ है, बस ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। और भाई कहीं पे कि मोस्टली कि 99% तो हमें सोच मिल जाते हैं, मतलब टॉयलेट वॉलेट मिल जाते हैं, हम वहाँ पे कर लेते हैं, बस 1-2% ऐसा होता है कि हम यार एमरजेंसी में कहीं पे आसपास कुछ नहीं दिख रहा है तो हम उस पे करते हैं गाइस। ठीक है, तो ये है गाइस। और भाई रात में हमने यहाँ पे मछली वछली पकड़ी थी, ठीक है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने मछली पकड़ के कहीं पर रखा था,
वो शायद इधर ही होगा या कहीं भाग गई है। कहाँ भागी है भाई? इधर इसी का अंदर है शायद गाइस, मैंने देखा था रात इस पानी में मैंने ढक दिया था रात में। अब देखता हूँ कि वो है या नहीं। अरे ये रहा, अरे वो मछली मर गई है यार। ये देखो गाइस, रात रात में मछली मर गई बेचारी। देखो गाइस ये मछली मर गई यार बेचारी यार। सोचा था कि हम इसको पकड़ के बना के चिकन विकन भाई थोड़ा फ्राई करेंगे, इतनी सी मछली, बट ये मर गई बेचारी। बट यहाँ बहुत सारी मछली है गाइस, बहुत सी मछली है। देखो ये देखो, ये अब मर गई है, ये मर गई मछली, पानी पानी में मर गई। इसको पूरा वो चाहिए था, वो मछली मर गई। सॉरी भाई, सॉरी फॉर गेट। बहुत सही भाई, पहाड़ी पहाड़ी यहाँ पे। मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ये देखो इधर हमें जाके दिखाता हूँ। देखिए बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही आनंद आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो भाई बोट का उठकर की बोट लगा रखे भाई। यहाँ पे भाई पिकनिक पॉइंट बना है, यहाँ पे भाई ड्रिंक व्रिंक बहुत करते हैं रात में, जब भी आते हैं कोई पार्टी पार्टी शार्टी वार्टी करते हैं। तो ये देख सकती हो, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा। ये देखो बोट का बोतल पर किस चीज़ का है, ठीक है। ये ऐसे रख रखा है लोगों ने पी पा के यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे व्यू और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पे मछली भाई आपको साफ साफ दिखेगी मछली यार, बहुत सारी मछली दिखती है यार। बट अभी रात में यहाँ पे मछली आपको दिखेगी, क्योंकि रात में चरने आती है मछलियाँ, चरने आती है। तो हम रात में क्या, जब हम खाना वाना बना रहे थे शाम के टाइम 7 बजे के आसपास, तो हमने रात में पानी भरनी आया ना यहाँ पे पानी, तो इसी पानी का हमने उपयोग किया था भाई। फ्रेश पानी है, बहुत अच्छा पानी है। नीचे नीचे तक आपको एक पत्थर दिखेगा साफ साफ इतना क्लियरिटी में, ठीक है। तो पानी हमने उस तरफ से भरा था, जो लहर है उस तरह साफ पानी था वहाँ से भरा था, क्योंकि वहाँ से रास्ता था उस तरफ से हम गए थे। तो ऐसा कुछ वाटरफॉल है यहाँ पे भाई। देखो ये भाई साहब मछली पकड़ने आए हैं, देख रहे हो वो भाई साहब मछली, देखो भाई मछली पकड़ने आए, देख रहे हो ये देखो मछली। क्या बात है भाई, फुका उरका ले आ रहे भाई, क्या हाल है भाई? ठीक हो? मछली मछली पकड़ने आए हो? अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। क्या बात है, इतनी बड़ी बड़ी मछली यार कैसे पकड़ सकते हैं, अरे इतनी बड़ी बंसी वंसी यार। उस तरफ जाएंगे शायद, उस तरफ है शायद। तो सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा लीजिए, जिससे ये होगा कि हमारी जो वीडियो लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको जल्दी मिल पाए और आप देख पाओ। और देख पाओ तो पाओगे भाई, जब घंटी को दबाओगे तभी तो देख पाओगे, दबाओ फटाफट जाके।